भारतीय जनता पार्टी जम्मू का चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में चलते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, बावे वाली माता जी का जो रास्ता है हमारा हरी सिंह चौक से लेकर सिद्रा तक, इस सारे को कैसे इसका कायाकल्प किया जाए, इसका सौंदर्यकरण किया जाए, इस रास्ते के ऊपर जहाँ जहाँ भी व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से अच्छे तरीके से हो सकती थी उसको हमने करने का प्रयास किया है। यहाँ हरी सिंह पार्क जो नीचे पार्क है वहाँ एक गेट लगेगा जिसका ऐसा दृश्य दिखेगा। उसके बाद में हमारे ऊपर वहाँ नहर है, नहर का सौंदर्यकरण होगा, ग्रीन स्पेस को डेवलप किया जाएगा, कैनोपी लगा के वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इसी प्रकार से जो साइड पे हमारी दीवारें हैं उस पर एड ऑन करते हुए अच्छी वहाँ पेंटिंग्स होंगी, सेल्फी पॉइंट बनेंगे, वहाँ जो रेलवे की ज़मीन है वहाँ पे पार्किंग होगी और वहाँ से आगे हमारे श्रद्धालुओं का जो वहाँ आगे जाने का रास्ता है वो पैदल रहेगा। इसी के साथ में मस्जिद के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ एक भव्य कालका माता जी की मूर्ति लगेगी, साथ में फाउंटेन होगा और सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इसी प्रकार से जो हमारा एग्जिट गेट है वहाँ भी ये भव्य गेट लगेगा। इस सब करने का प्रयास ये है कि हमारा जो ये माता रानी का स्थान है यहाँ लाखों लोग आते हैं और व्यवस्था जो है अच्छे से अगर होगी सब श्रद्धालुओं को भी अच्छा लगेगा और ये जो हमारा टूरिस्ट सर्किट है ये भी अच्छे तरीके से डेवलप होगा। इस सब को देखते हुए ये प्रोजेक्ट हम बनाया है और हमने अपने धीरज गुप्ता जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन के, उनको हमने ये प्रस्तुत किया है। उन्होंने भी कहा कि मेरा मन करता है कि ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए और हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और उसी वक्त हमारे जो होनहार कमिश्नर हैं राहुल यादव जी, उनको उन्होंने फ़ोन किया और कहा इसका DPR बनाया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके और इसका कायाकल्प किया जाए। और श्रद्धालुओं को और पूरे जम्मू वासियों को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है कि जम्मू कश्मीर का हमने और ख़ास करके जम्मू का चौतरफा विकास करना है, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।